नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। तीन बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। पहली न्यूज ये है कि आईटीआई न्यूज का बहुत बड़ा हुआ है असर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार को मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उनको मेल भी किया था, कुछ दस्तावेज भी दिए थे कि जो आईटीआई के लड़के हैं डायरेक्ट स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं, इस पे आईटीआई वालों का बहुत होता है नुकसान, तो उस पर न्यूज है। दूसरी जो है तो उत्तर प्रदेश सरकार की ही है। उत्तर प्रदेश सरकार में 114 आईटीआई में कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा मेगा अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है 30 जून का, तो दूसरी न्यूज। तीसरी न्यूज जो है तो डीजीटी ने क्या बोला है। तो सबसे पहले चलते हैं पहली न्यूज की तरफ कि आईटीआई टॉक्सो की न्यूज का बहुत बड़ा असर हुआ है। यूपी गवर्नमेंट को मैंने ये वीडियो बना करके भेजा था जिसमें हमको वहां के आईटीआई के संचालक करीबन 20 से 25 संचालकों ने साथ दिया था और मैंने उनसे डेटा मंगवाया था, उन्होंने डेटा दिया था, लेटर दिया था और एक मैंने सबूत के साथ में सरकार के पास डंके की चोट पे रखा था और उनको समझाया था, बताया था। चूंकि ये 5-6 महीने पहले की न्यूज थी हमारी, आप यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं और न्यूज में भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि ये गंभीर मामला है। इसमें जो है तो लड़के जो है तो एडमिशन लेते हैं और फिर लड़के जो है तो एडमिशन छोड़ देते हैं, जिससे आईटीआई पे बहुत बड़ा असर हो रहा था एडमिशन पे, तो इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। चलिए दिखा देते हैं आपको कि मैंने क्या शो पे दिखाया था और उन आईटीआई संचालकों को मैं लाख लाख बधाई दे रहा हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया था। चलिए पहले देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आपने स्किल के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टीवी के में जो है तो एड भी चल रहे हैं और वास्तव में आप काम कर भी रहे हो स्किल के लिए, वो दिख रहा है, जो आप कर रहे हो वो दिख भी रहा है। सर, मुद्दा आज का ये है कि कई आईटीआई वालों ने मेरे को फोन किया और बताया कि सर स्कॉलरशिप में कुछ सर चीजें गलत हो रही हैं। हो क्या रहा है कि आपके यहां जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है कि 15,400 और 18,000 रुपए मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है सर और बहुत अच्छा है आपका ये प्रयास है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। होता क्या है सर कि जो स्कॉलरशिप जिस हिसाब से आप देते हो वो स्कॉलरशिप आप छात्रों के अकाउंट में डालते हो, छात्रों के अकाउंट में जब स्कॉलरशिप चला जाता है तो 2-3 महीने तक तो वो सीखता है, इसके बाद जैसे ही वो स्कॉलरशिप पाता है तो वो फिर पढ़ाई छोड़ देता है। बिल्कुल हां, छोड़ देता है वो, और आपके विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। जब प्राइवेट आईटीआई वाले बताते हैं कि वो स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई छोड़ दी है तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। होता क्या है सर कि जब वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है स्कॉलरशिप के चक्कर में तो आईटीआई वालों का बहुत बड़ा नुकसान होता है सर, सीट का। मान के चलिए कि उसके पास 20 सीट है और ऐसे 5 लड़के या 10 लड़के चले गए सर तो उसके पास फिर 10 सीटें बचती है, तो वो जो पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं वो खर्चे भी नहीं निकल पाते हैं। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी नियति बहुत अच्छी है, लेकिन सर अगर ये फीस संचालकों के खाते में डाल दिया जाए तो बेहतर होगा। हां, आप ये कह सकते हैं कि संचालक खाता में ले लेंगे तो वो कब पढ़ाएंगे नहीं, फर्जी एडमिशन ले लेंगे, दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी, विसंगतियां हो सकती हैं, पर मैं उसका सलूशन आपको बता रहा हूं सर कि जब आईटीआई वाला रजिस्ट्रेशन करे तो वो आपके यहां से जहां से स्कॉलरशिप मिलती है वहां वो लिस्ट लेकर के जाए कि हमारे ये 20 लड़के जो है तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं, पहले उनका डाटा जमा हो, इसके बाद 6 महीने के बाद परीक्षा जब होती है सेमेस्टर सिस्टम और रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने में जो लड़के पास हुए हैं उनकी लिस्ट जो है तो वेरीफाई करवा करके एसडीएम के थ्रू आईटीआई के संचालक, आईटीआई के जो गवर्नमेंट आईटीआई के जेडी हैं या आईटीआई के प्रिंसिपल हैं उनसे वेरीफाई करवा करके वो आपके स्कॉलरशिप के विभाग में लिस्ट जमा करें और फिर वो जितने लड़के पास हुए हैं उनकी फीस संचालक के अकाउंट में डाल दिया जाए तो सर इसमें कोई भी विसंगतियां या किसी भी प्रकार की फर्जीपन नहीं होगा। इससे होगा क्या कि आईटीआई वाला ईमानदारी से आईटीआई चलाएगा,
और ईमानदारी से लड़कों को सिखाएगा और लड़के भी ईमानदारी से सीखेंगे सर। लड़के जान जाएंगे कि अगर हम पास नहीं होंगे, आईटीआई में हम नहीं सीखेंगे या आईटीआई हम नहीं आएंगे, तो हम जब पास नहीं होंगे तो हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, नुकसान भी होगा आईटीआई वालों का कि वो लड़के फेल हो गए तो वो फिर उनको नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए वो तैयार हैं इसके लिए कि कम से कम वो कह तो रहे हैं कि अगर लड़का आएगा सीखेगा तो पास क्यों नहीं होगा। पास वो नहीं होता जो आईटीआई नहीं आता, अगर आईटीआई में आएंगे तो स्टूडेंट पास होते। और इसमें सर मैं आपको बता दूं, जो आपका और मोदी जी का सपना है सर आत्मनिर्भर भारत का, स्किल भारत का, तो आईटीआई वाले प्रमुख भूमिका निभाते हैं सर। अगर वर्कर आपको मिलेंगे तो सही वर्कर आपको स्किल वर्कर सर आईटीआई में मिलेंगे, और आईटीआई पे ध्यान आप दे रहे हो, ऐसे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री हो आप, मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले मुख्यमंत्री हो जो आईटीआई पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन सर थोड़ा सा स्कॉलरशिप पे ध्यान दीजिए, छात्रों के बजाय संचालकों को दिया जाए, और तब दिया जाए जब स्टूडेंट पास हो जाए आईटीआई में, तब वो अपनी लिस्ट लेकर के जाए और स्कॉलरशिप के लिए वो मांग करे। फेल स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप ना दी जाए, इससे होगा क्या कि अभी ना फेल ना पास वाली बात नहीं है, आप आंख मूंद करके स्कॉलरशिप बांटे चले जा रहे हो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हो रहा है, लड़के स्कॉलरशिप ले रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, तो आपका जो बजट है वो भी कम हो जाएगा, जो अभी इतना है वो कम हो जाएगा, और सही लड़कों को सही स्कॉलरशिप मिलेगी। वैसे भी मैं बता दूं सर कि स्कॉलरशिप जो है तो जिनको मिलना चाहिए उनको मिलती नहीं है, इसको कई बड़े लोग आ करके एडमिशन ले लेते हैं और स्कॉलरशिप खा लेते हैं। ऐसे में आपको चाहिए सर कि मैं स्कॉलरशिप उसी को दूंगा जो वास्तव में स्किल होंगे, सीखेंगे और पास होंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एक लाइन अगर ये आप कर दीजिए सर तो बहुत बेहतर होगा। कई प्राइवेट आईटीआई वाले दबे जुबान से बोले, सर हम क्या करें, हमने लड़कियों के लिए जो है तो ये टेट खोला। एक अलीगढ़ के हैं, वो तो बिल्कुल रो पड़े, उन्होंने बोला सर मैंने चार टेट खोला, चार टेट में दो टेट जो है तो मैंने लड़कों के लिए खोला, दो मैंने लड़कियों के लिए खोला, मैंने सोचा कि लड़कियों को स्किल कर दिया जाए, वो पढ़ेंगी, ससुराल जाएंगी, शादी हो जाएगी तो कम से कम वो अपने आत्मनिर्भर हो जाए, पति या अपने घर के भरोसे से ना हो, ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई जैसे ट्रेड लेकर के उन्होंने ये चीजें की। लेकिन उन्होंने जब ये चली कुछ दिन के बाद ये चीजें हुई कि जब स्कॉलरशिप डायरेक्ट लड़कियों के खाते में आया तो लड़कियों ने आईटीआई करना छोड़ दिया। अब वो करें तो करें क्या, उनके पास पांच लड़कियां बची, लेकिन फिर भी वो इंस्ट्रक्टर लगा करके ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर जो मेरा इलेक्ट्रिकल का फीस आती है वो मैं फीस जो है तो उस ट्रेड में इंस्ट्रक्टरों को दे रहा हूं। रो पड़े वो, अपना सब कुछ लगाए हुए थे दांव, और बहुत अच्छी आईटीआई चलाते हैं वो, मैं उनको जानता हूं, वो कई बार फोन करके मेरे को ये चीजें बताते हैं, हमारा कार्यक्रम देखते हैं, मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो सही है तथ्य सही है। और ये टॉक शो जो मैं चलाता हूं सर, बहुत रिसर्च बेस, बहुत आरएनडी करने के बाद ही मैं ये चीजें बोलता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप जो काम कर रहे हैं स्किल में बेहतर काम है सर, लेकिन ये चीज आप करवा दीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो स्किल का है और आप लोग उस पर ध्यान दे रहे हो सर, और आईटीआई को आप विशेष ध्यान दीजिए, आईटीआई वालों को थोड़ा सा सर फंड भी रिलीज करवा दीजिए, या कोई ऐसा सर हो कि आपको भाई बैंक में लोन मिल जाए, आप अपनी आईटीआई को बहुत अच्छे से बना लीजिए और स्टूडेंट को स्किल करिए, चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है सर और वहां बेरोजगारी भी है। उससे होगा क्या सर कि एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी सर आप खुद ही बताइए कि कितने लोगों को आप नौकरी दे पाएंगे, सबको तो नौकरी दे नहीं पाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। तो स्किल में सर ऐसे प्रोग्राम चलवाया जाए कि खुद वो अपना रोजगार चला सके, खुद रोजगार चला सके। और एक काम करिए सर, आप अपने यहां एक काम करिए, जैसे मैं आपको बता दूं सर कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको बी फार्मा या डी फार्मा अगर आप किए हो, आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तभी आप दवाई की दुकान मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ऐसे ही आप कर दीजिए सर कि जो ब्यूटी पार्लर है
ब्यूटी पार्लर तभी खोले जाएंगे जब आप आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आपको सिलाई कढ़ाई की दुकान तभी खोल सकेंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट हो। हेयर सैलून भी ऐसे कर दिया जाए, बिजली की दुकान भी ऐसे कर दिया जाए कि अगर आपके पास बिजली की सर्टिफिकेट है, आईटीआई किया हुआ है, तभी आप खोलेंगे। ऐसे जितने भर आईटीआई के ट्रेड हैं सर, अगर उनको उनको ऐसे कर दिया जाए कि आप तभी भी आपको लाइसेंस मिलेगा, तभी आप दुकान खोल पाएंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट हो। दूसरी बात सर मैं आपको बता रहा हूं, इससे बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का भला होगा, और उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का भी भला होगा, और रोजगार भी मिलेगा, स्वयं का रोजगार होगा। आईटीआई वाले को अनुदान दे दीजिए, जो लड़के पास करके आए वो अपनी दुकान खोल लें। ऐसे ही सोलर का कर दीजिए, बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि सोलर में मैं आपको जो है तो इतनी छूट दूंगा मैं, लेकिन आप सोलर जब खोलेंगे तो आपको सोलर का आईटीआई किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको रोजगार मिलेगा। एलईडी लाइट बनाएगा वो सर, टार्च बनाएगा, ट्यूबलाइट बनाएगा, और ऐसे में उसको रोजगार युवा को मिलेगा। देखिए हर लड़का आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता है, और इस देश को आईएएस आईपीएस ही नहीं चला सकते हैं, या बीए बीकॉम बीएससी वाले ही इस देश को नहीं चला सकते हैं। इस देश को चलाने के लिए वर्कर चाहिए, और वर्कर आपको आईटीआई से बेहतर नहीं मिलेंगे। मैं मान रहा हूं बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सूल कोर्स जो चल रहे हैं पीएम के भाई डीडी की भाई, वो ठीक है, लेकिन उतने ठीक नहीं है। 3 महीने 4 महीने में मैं नहीं समझता हूं 6 महीने में कोई स्किल होता है, लेकिन ठीक है, जो स्किल हो रहे हैं तो हो रहे हैं, मैं उन पे सवाल नहीं उठा रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर इस तरह की चीजें कर दी जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश के लिए आप ये कर दीजिए, ये था भी सर कि अगर आप कॉलेज खोलते हो तो आपको कम से कम वहां बिजली की देख रेख के लिए, फायर सेफ्टी के लिए, फायर सेफ्टी वाला जो आईटीआई किया हुआ वो एक स्टूडेंट को रखोगे, एक इलेक्ट्रिकल वाले के रखोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप कोबा वाले को रखोगे, अगर आपके पास बस है तो डीजल मैकेनिकल वाले को रखोगे, ये मस्ट कर दीजिए, तभी आपको अप्लीकेशन मिलेगा। स्कूल में तो सर बिल्कुल मस्ट ही कर देना चाहिए कि फायर सेफ्टी वाला, इलेक्ट्रिकल वाला आदमी हो, ऑपरेटर कोपा वाला हो, तभी आपकी स्कूल की मान्यता मिलेगी, और उन पर लगा दीजिए। तो होगा क्या सर कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो नीचे का है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसको रोजगार मिल जाएगा, और जब रोजगार मिलेगा तो अवेयरनेस प्रोग्राम जब चलेगा तो इसकी मांग बढ़ेगी, जब इसकी मांग बढ़ेगी तो आईटीआई ज्यादा खुलेगी, आईटीआई ज्यादा खुलेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए एक रोजगार का अवसर भी मिल जाएगा। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, बजाय कि ये नेतागिरी में हम अगर किसी की बुराई और अच्छाई में लगे रहेंगे तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पे ध्यान दिया जाए सर, कि कॉलेज यूनिवर्सिटी आप तभी भी खोलेंगे जब आप आईटीआई के फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, कोपा वाले या डीजल वाले लड़कों को रखेंगे, तभी आपको होगा। ऐसे ही टीवी फ्रिज की जो दुकानें हैं तो उनमें भी कर देना चाहिए कि आपको एक स्पेशलाइजेशन वाला आदमी जो आईटीआई किया हुआ है वो आपको रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बाकी जो आप काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं स्किल के लिए और सोच रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद जो है तो सर यही था, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ये काम करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर नया किसी भी प्रोग्राम पे मैं आऊँगा और आपको बताऊँगा। और उत्तर प्रदेश के आईटीआई वाले, आप लोगों का ये जो मुद्दा था, मैंने ये मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री जी तक ये मैं बात पहुँचा रहा हूँ। अब आगे आपकी बारी है, और आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, साफ सफाई का ध्यान दीजिए, और आप लोग भी पानी बचाइए, एक आंदोलन करिए, पानी बचाइए, और पौधे लगवाइए और उसकी फोटो भेजिए, और जो टीका नहीं लगवा पाए हैं उनको टीका भी लगवाने के लिए आप प्रेरित करिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर भी नए प्रोग्राम में मिलूंगा, तब तक आप आईटीआई का टॉक शो देखिए। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि आईटीआई उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट की आईटीआई, करीबन 114 आईटीआई पे 30 तारीख को 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला लग रहा है, मेगा कैंपस है, और यह आप देख लीजिए लगभग 114 आईटीआई में है,
और इसका एड्रेस भी है। तो आप लोगों को, लड़कों को मैं बता रहा हूं कि जो पास आउट हो गए हो और जो नहीं भी हुए हो पास आउट, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जाइए और यहां इस पे हर आईटीआई पे जा करके, जहां जहां जिस जिस जिले में आईटीआई है वहां पर आप लोग इंटरव्यू दीजिए। नहीं इंटरव्यू दे पाते हो तो देखिए कैसे इंटरव्यू होता है, क्या लड़के देते हैं, कैसे कंपनियां आती हैं, क्या बोलती हैं, तो उसके लिए लगे रहिए। ये बहुत बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 114 आईटीआई पे अप्रेंटिसशिप मेला लगाया, बहुत बड़ा कैंपस सिलेक्शन करने जा रहा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, योगी जी को और उनके मंत्रिमंडल को भी, और वहां के जो स्टेट डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको दे रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़कों को बोल रहा हूं कि यहां पर जाइए। देखिए तीसरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि डीजीटी के तरफ से आज 2 बजे हमको मिलेगा टाइम अपनी बात रखने के लिए। तो मैं आपके पूरे मुद्दे को रख दिया हूं, अब एक बार 1-to-1 बात करूंगा और आपके मुद्दे को रखूंगा, और जितने आपके आए हैं सवाल और उनके मैं उनसे लूंगा जवाब। इसके बाद मंगलवार को बताऊंगा कि क्या है डीजी का फैसला और क्या होगा अपडेट, क्या नहीं होगा अपडेट। 2-3 चीजें जो हो रही, कभी मार्कशीट कई लोगों की नहीं निकल रही तो उनको बोल रहा हूं, कभी जुम्मे 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है तो रुक जाइए, सॉफ्टवेयर को फिर से अपडेट कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यू आई है तो फिर से कर रहे हैं अपडेट, कई लोगों को निकल रहा है, कई लोगों का नहीं निकल रहा है। पेमेंट लिंक को भी मैं कह रहा हूं कि खुल गई है, कुछ की नहीं खुली है तो वो खुल रही है, खुल जाएंगी। और एक चीज और बता दूं कि जो -1 ईडी और प्रैक्टिकल वाले हैं, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले हैं, उनको भी बता रहा हूं रुक जाइए। और भैया एक चीज कि जो मैंने बताया कि पहले तो आप लोग बोल रहे थे कब सप्लीमेंट्री होगी, कब सप्लीमेंट्री होगी, अब मैंने बता दिया कि 1 सितंबर से सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, तो अब लोग बोल रहे हो कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होगा, ये झूठ खबर है, ऐसी खबर है, वैसी खबर है। तो भैया आप जानो, आपका काम जाने, मेरा जो काम है मैं बता रहा था कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाएंगे तो सप्लीमेंट्री एग्जाम कैसे हो जाएगी, कैसे आप लोग बात करते हो, बिल्कुल यार पता नहीं कहां किसके बहकावे में आ जाते हो आप लोग, कुछ भी बोलने लगते हो। जब तक पूरा कंप्लीट पूरा रिजल्ट घोषित नहीं होती है तब तक जो है तो डेट नहीं आती है। मैंने आपको बता दिया, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 18 तारीख तक मेन एग्जाम होगा। अब मेन एग्जाम करने के बाद इसके बाद अगस्त के लास्ट में सेंटर मैपिंग होगी और आपका आ जाएगा, तो अगस्त और सितंबर के बीच में आपकी परीक्षाएं सप्लीमेंट्री हो जाएंगी सबकी, सबकी बोल रहा हूं तो आप लोग सुन नहीं रहे हो। ऐसे बोला गया था कि ऑल सेशन का चढ़ाना है, तो आप लोगों ने जो यूट्यूबरों की कहानी सुनी और जो है तो बच गए आप, रह गए, अब आपका ईडी प्रैक्टिकल नहीं नंबर लिखा, जबकि साफ साफ वेबसाइट में ऑल सेशन लिखा हुआ था। तो आप जानो, आप अब दूसरे के YouTube की लिंक हमको मत भेजा करो कि वो कहां से न्यूज पाते हैं, क्या करते हैं, उनके कौन सा सूत्र है और क्या चीजें सही होती है गलत होती है, आप जानो, ये आपका अधिकार है। चैनल को देखना ना देखना, कमेंट करना, लाइक करना, अनलाइक करना, ये आपके ऊपर है भाई, मैं किसी से नहीं बोलता हूं। मेरा काम है, मेरा न्यूज चैनल, मेरा काम है सच्ची खबर दिखाना, और मेरे खबरों का असर होता है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो डीजीटी में हो, इसका असर होता है। और ईमानदारी से डंके की चोट पे बिना डर करके मैं मुद्दे उठाता हूं और एट लास्ट तक ले जाता हूं, और मेरा यही प्रण भी है अवेयरनेस का। और मेरे ऊपर कुछ आईटीआई या कुछ फर्जी आईटीआई या कुछ ऐसे लड़के माफिया दलाल गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं मेरे बारे में, मेरे ईमानदारी के बारे में, मेरे काम के बारे में, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं जानता हूं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर कल कोई सी न्यूज दूंगा, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और आज का दिन शुभ हो और आने वाला भी दिन आपका शुभ हो, और आईटीआई टॉक शो आप देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।